मैं हूं सद्दाम हुसैन, आप देख रहे हैं बिहार टीवी। नालंदा के बिहार शरीफ में परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ द्वारा स्थानीय आईएमए हॉल में सेवानिवृत्त शिक्षकों के सम्मान सह विदाई समारोह का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर ब्रजवासी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि संघ के प्रयास से कार्यरत शिक्षकों को ईपीएफ और अर्जित अवकाश का लाभ दिया गया है, लेकिन जो शिक्षक सेवानिवृत्त हो गए हैं उन्हें उस लाभ से वंचित कर दिया गया है। उन्होंने राज्य सरकार से सभी सेवानिवृत्त नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ, ग्रेजुएटी, अर्जित अवकाश एवं समूह जीवन बीमा का लाभ देने की मांग की। साथ ही कहा कि संघ जल्द ही सेवानिवृत्त शिक्षकों को ग्रेजुएटी का लाभ दिलाने के लिए पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगा। वहीं समारोह को संबोधित करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि कभी भी शिक्षक सेवानिवृत्त नहीं होते, वे केवल सरकारी बंधन से मुक्त हो जाते हैं और उन्होंने सेवानिवृत्त शिक्षकों को स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना की। समारोह की अध्यक्षता संघ के जिला अध्यक्ष रोशन कुमार ने की और वे अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि यूरोपीय देशों में सीनियर सिटीजन को राष्ट्र समाप्ति घोषित कर उनके देखभाल और परिवार की जिम्मेदारी स्वयं सरकार लेती है, लेकिन बिहार में जीवन भर शिक्षा का अलख जगाने वाले शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के बाद तिल तिल कर मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। ऐसी सरकार जल्लाद से भी बदतर है। तो वहीं दूसरी तरफ संघ के महासचिव मोहम्मद इरफान मलिक ने सभा को संबोधित करते हुए बिहार के नियोजित शिक्षकों की समस्याओं से अवगत कराया। समारोह को संबोधित करने वालों में प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट के अध्यक्ष सुनीता कुमारी, परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के लखनलाल निषाद, इंतखाब राजा, रामाशीष प्रसाद, अरुण कुमार, सचिदानंद सिन्हा, राकेश कुमार, मनोज कुमार, अजय कुमार, मुकेश कुमार, दिसंबल कुमार, नवीन कुमार, मनिंदर कुमार सिन्हा, सुनील कुमार, दयानंद कुमार, विनोद कुमार, रूपा कुमारी, विनोद चौधरी, रविरंजन, विश्वजीत कुमार, सुजीत कुमार, शशिभूषण कुमार, शशिकांत वर्मा, मिथिलेश कुमार, जन्मजय के साही सहित सैकड़ों शिक्षक ने संबोधन किए। वो जो इनके यहाँ जो सेवानिवृत्त जो नियोजित शिक्षक थे उनके सम्मान में जो है आज एक विदाई समारोह का आयोजन किए थे, जिसमें इनके जो प्रदेश के अध्यक्ष भी आए थे और जिला के जो इनके अधिकारी है वे भी आए थे और जिला के इनके कार्य समिति के सदस्य प्रखंड और के जो पदाधिकारी ये सारे लोग आए थे। ये एक अच्छा कदम है जो हमारे शिक्षक हैं जो सेवानिवृत्त होते हैं, जिन्होंने इस विभाग में या संगठन में इतना समय दिया है तो वो सम्मान के हकदार है। और ये काम जो है बखूबी आप देखे होंगे परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला स्तरीय जो टीम है उनके द्वारा प्रखंड के सहयोग से आज किया गया। ओके दाम कार्यक्रम का उद्देश्य एक संदेश देना था कि राज्य की जो सरकार है यह असंवेदनशील सरकार जो नियोजित शिक्षकों के सेवानिवृत्ति के बाद उनको एक फुटी कौड़ी नहीं देती है और हमारे शिक्षक निराश होकर हताश होकर अपने घरों को लौटते हैं एक मन में पीड़ा लिए हुए। हम सरकार को यह संदेश देना चाहते हैं कि आप संवेदनशील बनिए और परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ हमारे ऐसे तमाम शिक्षकों को सम्मानित करता है, उनके मन में एक संतोष पैदा करना चाहता है कि हमने अगर सेवा की है तो हमें सम्मान। इसी प्रकार की आने वाली हर छोटी बड़ी ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बिहार टीवी को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।